So we have three kind of glucose urine samples, sample 1, sample 2, sample 3. And we do not have any idea about in which urine sample we are mixing the loads of sugar level. तो देखो आप किसके पास ये क्या चीज़ है, दिस इज द C6H12O6 मतलब ग्लूकोज है। मैंने इसमें से किसी में ज़्यादा मिला है, किसी में कम और किसी में बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो अब अपन तीनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे, देन आफ्टर वी विल चेक इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। तो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी नीड अ टेस्ट ट्यूब, अ ड्रॉपर। फर्स्ट वी हैव टू टेक द यूरिन सैंपल एंड वी आर टेकिंग दिस यूरिन सैंपल फर्स्ट। हाउ मच अमाउंट वी हैव टू टेक? 2 to 3 ml, ओके। Is it enough? So, this is the sample number first, and this one is the second test tube. So we will use the second sample. And 2 to 3 ml again we are taking. And this last one is. We are taking the sample number 3. We are just assuming this 3 solution are urine sample, okay? अब बेनेडिक सॉल्यूशन को इसके अंदर मिक्स करना है। So how much amount we have to take the बेनेडिक सॉल्यूशन? We have taken the urine sample 2 to 3 ml. Now we have to mix with the बेनेडिक सॉल्यूशन. How much amount we will take? 5 ml. Around 5 ml Benedict solution you have to take. This is the sample number first. So we have 3 kind of solution, और हर एक solution के पास there are 2 kind of solution is there, sample urine sample and second one is Benedict solution. And Benedict solution is also called the Benedict reagent. अब देखो नाम, Benedict reagent बोलते हैं। अब क्या करें, mix तो हो गई, अब हम इनको boil करें। ये इसका प्रोसीजर है, तो आपको ये याद रखना सभी ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू लर्न। एक और बात ध्यान से, कभी भी अपन किसी टेस्ट ट्यूब को लेके यहाँ बर्न करते हैं तो टेस्ट ट्यूब फट जाता है, तो इसको बर्न कैसे करें? फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर, इफ यू आर बर्निंग अ टेस्ट ट्यूब देन यू हैव टू जस्ट शेक योर टेस्ट ट्यूब स्लोली स्लोली। हल्का फुल्का कलर ऑब्जर्व हो रहा है, पुराने से तो डिफर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, दिस इज द सिंपल नंबर फर्स्ट इन विच द ग्लूकोज अमाउंट इज हाई।
because the blue color is turning into the green, green, and after the green color is turning to the yellow. Yellow. But it will take some time. And what about the second one? The sugar solution is less in this urine test. And what about the third one is? There is no any kind of sugar solution, that's why the reagent color is same. ठीक है, अभी ये येलो हो गया, क्लियर है? अभी ये येलो और भी अच्छे से होगा, पर ये टाइम लेगा. And Benedict solution का क्या नाम? This is the major element and major solution in whole of the experiment. क्या करता है? इसके अंदर है copper. क्या है इसके पास? Copper. Copper का और glucose का एक दोस्ती है, एक याराना है. क्या याराना है? देखो ध्यान से. जब भी glucose के पास दो functional group हो सकते हैं, glucose और fructose. सुने नाम आपने? Yes sir. Glucose के पास कौन सा होता है? Ketones होता है, aldose होता है. कौन सी sugar होती है? Aldose sugar होती है, ketone sugar होती है? एल्डोज एक फंक्शनल ग्रुप है. ऐसे ही फ्रक्टोज में कीटोज जो है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप. ये जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है ना, कॉपर के साथ जुड़ के क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं. और रिएक्ट में देखो आप इसका कलर कौन सा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ब्लू इन कलर. तो अगर ये कलर ग्रीन होता इसका मतलब शुगर लेवल प्रेजेंट है. अगर ये येलो हो जाए इट मीन शुगर लेवल कुछ ज्यादा प्रेजेंट है. और अगर ये रेड हो जाए तो उसको डायबिटीज कुछ ज्यादा ही लेवल, उसमें कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में शुगर अवेलेबल है. समझ में आई बात? Yes, तो इसको अपन कर